भगवान के नाम पर कुछ दे दे बेटी, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। विभा की नज़र उस बूढ़ी अम्मा पर पड़ी तो वो सिहर गई। इस उम्र में भी उनका भीख मांगनी पड़ रही है। वो अपना पर्स खोलती है कि इससे पहले ही ट्रेन चल पड़ी। लोकल ट्रेन से वो रोज़ इसी रास्ते से अपने ऑफिस जाती है। यूं तो स्टेशन पर काफ़ी भीख मांगने वाले रहते हैं, पर इस बूढ़ी अम्मा को देखकर उसे विश्वास नहीं होता था कि ये भिखारिन है। पर जब भूख बर्दाश्त ना हो और पास में खाने के लिए कुछ नहीं हो तो कोई दूसरा चारा नज़र नहीं आता। विभा पूरे रास्ते उस बूढ़ी अम्मा के बारे में सोचती रही और दिन भर ऑफिस में पूरा हो गया। शाम को जब वो लौटी तो स्टेशन पर फिर से वही दिखाई दी। विभा उनके पास गई तो उनकी आंखें बुझी हुई थी। यूं लग रहा था कि जीने की कोई उम्मीद ही नहीं बची हो। बस जिंदगी काटनी है इसलिए जीना है। उम्र करीब 80 साल, चेहरे पर अनुभवों की झुर्रियां, मैली कुचैली साड़ी पर इन सब से हटकर भी वो कुछ अलग लग रही थी। किसी अच्छे घर की महिला ही नजर आ रही थी। पता नहीं कौन सी ऐसी मजबूरी है। विभा ने वही खाने बेचने वाले से एक प्लेट ले ली जिसमें 4 पूड़ी और आलू की सब्जी थी। साथ ही उसने एक पैकेट छाछ भी ले ली ताकि गले में तरावट हो जाएगी। अम्मा, ये खाना खा लो और छाछ पी लो, आपका पेट भर जाएगा। खाना देखते ही उनकी आंखें चमक गई। उन्होंने आशीर्वाद दिया और खाने लग गई। विभा आगे कुछ पूछती कि विनीत का फोन आ गया। कहाँ हो यार, अब तक तो घर आ जाती हो, आज तो बड़ा समय लगा दिया। हाँ आ रही हूँ, ओ मैं आकर बताती हूँ। और विभा घर की ओर चल दी। तुम भी ना विभा, स्टेशन पर तो ऐसे कितने ही भिखारी होते हैं, रोज कितनों का खाना बांटोगी? आज दोगी तो कल भी मांगेंगे, फिर इन लोगों को रोज मांगने की आदत हो जाती है। काम धाम तो कुछ यूं करते नहीं, बस मुफ्त की रोटियां ही तोड़ते हैं, विनीत ने तेज स्वर में कहा। नहीं विनीत, ये आम भिखारिन की तरह नहीं थी, जरूर कोई मजबूरी होगी, इतनी लाचार लग रही थी कि तुमको भी देखकर दया आ जाती। मैं कल अम्मा से बात करूंगी। अरे कल तो संडे है, कल क्यों जाओगी? तभी तो कल जाऊंगी, संडे है, ऑफिस जाने की जल्दी नहीं होगी और ना ही घर आने की। अगली सुबह विभा स्टेशन की ओर चल दी। वहाँ पर उसने बूढ़ी अम्मा को ढूंढा पर वो कहीं दिखाई नहीं दी। तभी पूछने पर किसी ने बताया कि वो स्टेशन से बाहर जो बड़ा सा बरगद का पेड़ है वहीं पर उनका बसेरा है। तो विभा वहीं चली गई। बरगद के पेड़ के नीचे वो लेटी हुई थी। अम्मा, मैं आपके लिए नाश्ता लाई हूँ, आज आप अंदर नहीं आई। हाँ बिटिया, तबीयत ठीक नहीं लग रही, हाथ पैर भी जवाब दे चुके हैं, अब इस उम्र में कोई भी काम नहीं होता है तो भीख मांग कर ही काम चला लेती हूँ। वैसे कभी कभी तेरे जैसे लोग भी आते हैं, मुफ्त दे जाते हैं। अम्मा, आप कब से भीख मांग रही हैं? विभा के सवाल को सुनकर वो हैरान रह गई और आंखों से आंसू बहने लगे। बिटिया, भीख मांगना मुझे पसंद नहीं है, पर क्या करूँ, मजबूरी है। इस उम्र में हाथ पांव चलते नहीं हैं, पेट की आग बुझाने के लिए खुद भी जलना पड़ता है। कभी नहीं सोचा था कि मेरी भी ऐसी स्थिति होगी। मैं तो स्टेशन पर भिखारियों को भीख देती थी, खाना कपड़ा जरूरत का सामान बंटवाती थी। शहर के बीचों बीच हमारा बड़ा सा मकान था, मकान में नौकर चाकर थे, किसी रानी से मैं कम नहीं थी। घर पर दादी सास का हुक्म चलता था तो वो लाठी हाथ में लेकर सबकी बजाती थी। मजाल थी कि उनके हुक्म के बिना एक पत्ता भी हिल जाता। घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, हर आने जाने वाले का घर में पूरा सम्मान किया जाता था। नौकर, माली, धोबी, मुनीम सबको त्योहार पर अच्छे कपड़े और पैसे मिठाई देते थे। जब मेरी गोद भराई हुई थी तो पूरा गांव आया था, देसी घी में पकवान बने थे, सब ने बेटे का आशीर्वाद दिया और मुझे पहली संतान के रूप में सोहन मिला। सोहन की परवरिश में कोई कमी नहीं रही, 1.5 साल बाद ही रोहन भी हो गया। 2 बेटों की माँ बनने का जो गर्व था वो मेरे सिर पर चढ़कर बोल रहा था।
मैं दादी सास और सास की बहुत प्यारी बहू थी, जिसने खानदान को दो वारिस दिए थे। हम हर त्यौहार पर मंदिर और स्टेशन पर जाकर भिखारियों और ज़रूरतमंद को कपड़े और खाना बंटवा देते थे। मेरे दोनों बेटे बड़े हो रहे थे, पति विरासत से मिला व्यापार संभाल रहे थे। घर में साक्षात अन्नपूर्णा का वास था। दोनों बेटों की अच्छे से परवरिश हो रही थी, पर वो ज़्यादा धन देखकर बिगड़ने लगे थे। पढ़ाई से जी चुरा कर गलत संगत में फंस गए थे। दोस्तों और यारों में पैसा लुटाने लगे थे। घर में उनको डांटा जाता था, पर मुझे सुनाया जाता था कि मैं माँ होकर बेटों का ध्यान नहीं रख पाती हूँ। दादी सास पोतों की चिंता करते करते चली गईं और सास ससुर का संसार से मन उठ गया था, तो वो धार्मिक स्थल में जाकर रहने लगे। हमने समझाया कि दोनों की शादी तो कर जाओ, पर वो बोले जब पोत बहू आए तो मुँह दिखाने आ जाना। अब इतने बड़े घर में हम चार लोग रह रहे थे। अब पहले की तरह घर में कोई आता जाता भी नहीं था। बेटे बड़े हो गए थे तो उनकी शादी की चिंता होने लगी। घर का व्यापार था, पर अकेले मेरे पति संभालते थे। सोचा था मेरे हैं तो व्यापार अच्छा चलेगा, पर बेटों की अपनी आवारा गर्दी से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। गलत संगत में फंसकर जुए और शराब में धन लुटाए जा रहे थे। और जो लोग पति के साथ व्यापार में जुड़े थे, वो भी कल छल कपट करके धन बना रहे थे। शादी की उम्र निकली जा रही थी। हमने तय किया कि शादी कर देंगे, ताकि हो सकता है बेटे शादी के बाद सुधर जाएं। परिवार का बड़ा नाम था। आखिर दोनों की शादी तय हो गई। एक साथ ही घर में दो बहुएं आ गईं। अब लग रहा था कि लक्ष्मी घर आई है तो घर की स्थिति सुधर जाएगी। गरीब घरों से बेटियां लाए थे, पर वो तो हमारे ही सिर पर चढ़ गईं। इतना धन देखकर दोनों को लालच आ गया और फालतू खर्च करने लगी। पहले तो हम बेटों से परेशान थे, अब बहुएं भी नकचढ़ी आ गई थीं। वो भी अयासी में कम नहीं थी। महंगे कपड़े जेवर खरीदने और सैर सपाटे में लग गई थी। मेरे पति व्यापार और मैं घर संभाल रही थी। दोनों देर तक उठती नहीं थी और रसोई में पैर नहीं रखती थी। मेरी हालत देखकर पति ने बेटे को कई बार समझाने की कोशिश की, पर वो समझे नहीं। ये चिंता करने लगे कि एक दिन अचानक इनकी तबीयत बिगड़ी और मुझे संसार में अकेला छोड़कर चले गए। इनके जाने के बाद भी बेटों की नींद नहीं खुली। दो दो बच्चे हो गए, पर व्यापार संभाला नहीं गया, उसमें नुकसान होने लगा। एक दिन ऐसा आया कि कर्जदारों की भीड़ सिर पर आकर खड़ी हो गई। दोनों बेटों को तब होश आया, पर जब तक सब नष्ट हो चुका था। अब घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। दोनों बहुएं रोज मायके जाने की धमकी देती। अब घर में भी पैसों की तारी तंगी हो गई थी। वो कहते हैं ना, विधवा माँ सबको आंखों में खटकती है। मैं विधवा थी, कोई सहारा नहीं था, तो दोनों बेटे बहू कुछ भी सुना देते थे। मेरे खाने पीने में कटौती करने लगे थे। उन्हें लगता था कि अकेले इस माँ का बहुत खर्चा हो जाता है। अब रोज मुझे कोसा जाने लगा। मेरी वजह से दोनों कहीं ढंग से काम नहीं कर पा रहे थे। घर में विधवा हो तो बरकत भी कम होती, यही सोचकर बहुएं भी मुझे ताना देने लगी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक दिन सोहन बोला, माँ आपको तीर्थ या स्थल की यात्रा करवा लाता, हो सकता कुछ पुण्य मिले और हमारे घर की स्थिति सुधर जाए। मैं भी खुश थी, पर थोड़ी आशंकित थी। आखिर ऐसी गरीबी में तीर्थयात्रा करवाने की क्या सूझी। फिर भगवान का ही फैसला मानकर मैं तैयार हो गई। जिस तीर्थ स्थल जाना था, वहां से दो स्टेशन पहले सोहन मेरे लिए पानी लेने को प्लेटफार्म पर उतरा था। पानी तो लाया नहीं और खुद भी नहीं आया। ट्रेन चलने लगी और मेरे पास एक रुपया भी नहीं था। स्टेशन जाकर गाड़ी मैं नीचे उतरी और अपने बेटे का इंतजार कर रही थी, पर वो नहीं आया। स्टेशन पर ही सुबह से शाम हो गई। पास में पैसा भी नहीं था और भूख भी लग रही थी। कुछ नहीं सूझा। एक दो दुकानदारों को अपनी आप बीती सुनाई, पर किसी ने भी मुझे खाना नहीं दिया। मैंने कहा, मुझे उधार दे दो, मेरा बेटा एक दो दिन में लेने आ जाएगा, तो सब हंसने लगे। अम्मा तुम बहुत भोली हो, तुम्हारा बेटा अब कभी नहीं आएगा, वो तुम्हें यहाँ छोड़ गया है। तुम्हारे साथ रहना उसको भारी लग रहा था। मुझे विश्वास नहीं हुआ। 9 महीने जिस बेटे को भार उठाया, खून से सींचा, आज उन्हें
बेटे को माँ भारी लगने लगी थी। बस तब से बेटों का इंतजार करना छोड़ दिया। अब तो यही स्टेशन पर भीख मांगकर गुजारा कर लेती हूँ और भगवान का नाम जप लेती हूँ। बूढ़ी अम्मा की कहानी सुनकर विभा की आंखें भर आई। सच है, सब जानबूझकर भीख नहीं मांगते, कुछ लोग मजबूरी में भी भीख मांगते हैं। विभा घर आ गई, अपनी बूढ़ी अम्मा से मिलाई। कोई कहानी सुना दी होगी। हाँ विनीत, ऐसी कहानी जो अंदर तक मन को झकझोर देती है। बेटों से माँ का भार ना उठाया गया तो उन्हें स्टेशन पर छोड़कर चले गए। मैंने कहा बूढ़ी अम्मा को, आप अपने घर का पता दो, पर वो मुकर गईं। वो अब ना बेटों के साथ रहना चाहती हैं और ना ही उन्हें सजा दिलाना चाहती हैं, वापस भी जाना नहीं चाहती। जब बेटों ने मेरा त्याग कर दिया तो मैं क्यों उनसे मोह रखूं? पत्थर की बन गई हैं। पर विनीत, मुझे अम्मा का इस तरह स्टेशन पर भीख मांगना अच्छा नहीं लगता है। हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। विभा, हम क्या कर सकते, हमारी अपनी नौकरियां हैं, अपनी बेटी है जिसकी जिम्मेदारी हमारी है कि हम उसे अच्छा जीवन दें। लेकिन विनीत, हम अपनी बेटी को सब दे रहे हैं पर जो सबसे अमूल्य विरासत है वह नहीं दे पा रहे हैं। हमारी बेटी अकेलेपन से जूझ रही है, हम उसे समय नहीं दे पा रहे हैं और ना ही दादी नानी का प्यार दे पा रहे हैं। विनीत, क्यों ना हम उन बूढ़ी अम्मा को गोद ले लें और अपने घर लेकर आएं, उन्हें भी सहारा मिल जाएगा और हमारी बेटी को दादी नानी का प्यार भी मिल जाएगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ऐसी ही रास्ते से किसी को भी उठाकर अपने घर में ले आऊं। किसी के बारे में कुछ पता तो होना चाहिए, फिर वो हमारी कोई नहीं लगती। ऐसे मदद करना चाहो तो कर सकती हो पर उन्हें घर तो नहीं ला सकते हैं। अनजान अजनबी लोगों का कोई भरोसा नहीं होता। लेकिन विनीत, तुम भी तो अनजान और अजनबी ही थे जब तुम्हें अनाथ आश्रय से लाया गया था। विभा की बात सुनकर विनीत चौंक गया। फिर वो झूठ भी तो नहीं बोल रही थी, वो भी अनाथ था, जाने कि उसके माता पिता ने उसका त्याग कर दिया था। आज भी उसे अपने माता पिता की याद आती है, जिन लोगों ने उसे गोद लिया था, उन्होंने बड़े प्यार से पाला और आज उन्हीं के दम पर वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ। विभा से शादी हुई और एक दिन दोनों उससे ही मिलने अपनी कार से आ रहे थे। भीषण सड़क दुर्घटना में दोनों मारे गए और अपनी पोती का चेहरा भी नहीं देख पाए। विनीत फिर से अनाथ हो गया था। ये तो विभा ने उसे संभाला और हर कदम पर उसका साथ दिया। मुझे माफ कर दो विभा, हम कल सुबह ही उन अम्मा के पास चलेंगे और उन्हें घर पर ले आएंगे। रात को विभा बहुत खुश थी। उसने अपनी बेटी को बताया कि वो कल दादी को लेकर घर आ जाएंगे। सुबह उठकर तीनों ही स्टेशन चल दिए। विभा की नजरें उन्हें ढूंढ रही थी, तभी दूसरी ओर बहुत भीड़ दिखी। वो भी भीड़ के अंदर देखने की कोशिश करने लगी। अंदर देखा तो मुंह से चीख निकल गई। अम्मा का शव पड़ा था, काफी दिनों से बीमार थी, समय पर इलाज न मिलने के कारण मृत्यु हो गई थी। दो बेटों की माँ भीख मांगने पर मजबूर हो गई थी और आज एक लावारिस की भांति स्टेशन पर पड़ी थी। विभा रोने लगी। बहुत मुश्किल से विनीत ने समझाया। लोग एक एक करके जाने लगे पर विभा वहां से हिली नहीं। विनीत, हम अम्मा को अपने साथ नहीं रख पाए पर सम्मान से इनका अंतिम संस्कार तो कर ही सकते हैं। इनके बेटी को तो खबर भी नहीं होगी कि आज उनकी माँ इस दुनिया से चली गई। विनीत ने पुलिस वालों से परमिशन ली और सम्मान से अम्मा का अंतिम संस्कार कर दिया। विभा ने भीगी आंखों से उन्हें विदाई दी। दोस्तों, समाज में लड़कों की बड़ी चाह है कि बेटे होंगे तो माता पिता को बुढ़ापे में सहारा मिलेगा, उनके हाथों से चिता को आग दी जाएगी। पर कलयुग में सब परिभाषा बदल गई है। बेटे जीते जी माता पिता को छोड़ देते हैं, घर से बेघर कर देते हैं। दोस्तों, आप लोग कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।